इसे हम कैसे सोल्व करें हैं, मैं आपको पहले परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए बता दिया। अब आप बताइए कि प्रतिशत का भिन्न क्या होगा, इस प्रतिशत का भिन्न क्या होगा, इस सवाल को हम सोल्व कैसे करेंगे, एग्जाम में समय को कैसे बचत करेंगे। तो इसे बचाने के लिए आपको इन चीजों को जानना जरूरी है। आपको एक्स का गुना एक्स, आप यह बताइए 66 × 2/3 का कितना परसेंट जो है इसका भिन्न में बदलेंगे, क्या मिलेगा, आपको याद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ 2/3 होगा। आप भिन्न के चैप्टर में पिछले वीडियो जो मैं आपको बताया उसमें आप देख लें। और बराबर 40 का 60% क्या होगा, हम आपको बताए थे। आप जो है परसेंट का मतलब 100 होता है, 100 से नीचे भाग देते हैं, तो हम इसको क्यों ना इसे समय को बचाने के लिए खत्म कर दें, तो बचेगा क्या, का मतलब गुना होता है 6 × 24, तो ये हो गया। आप इसे काट दें 2 से 12 बार में, इस 12 सीधा गुना कर दें, एक्स का मान निकलेगा 12 × 36, आंसर आपका निकल गया। अब इन सवाल को आप कैसे सोल्व करेंगे, मैं आपको बताया था, आप एग्जाम में फॉर्मूला को माइंड में रखें और कैलकुलेशन थोड़ा सा करें, आपका आंसर आ जाएगा। आपको मैं बताया था परसेंट का मतलब 100 होता है, 100 से इसमें भाग देंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 में 2 जीरो होता है, 2 जीरो कैंसिल किया, का मतलब गुना होता है, 11 × 22 हो गया, प्लस परसेंट का मतलब 100 होता है, 100 में 2 जीरो होता है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, का मतलब गुना होता है, 22 गुना ये करेंगे 22 होगा, और 22 को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ गया 44। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी से कैसे सवाल को बनाएंगे, सवाल से डरना नहीं है, सवाल को समझना है, सवाल को बनाना और सवाल को सीखना है। तो यह रहा आपका तरीका समझाने का, मैं आपको समझाने का प्रयास किया। एक छोटा सा सवाल है, इसमें डरने की कोई बात नहीं, आसानी से आप सवाल को सॉल्व करें। क्वेश्चन कहता है कि 25 जो है 40 का 40 का कितना परसेंट है, कहने का मतलब 40 का कितना परसेंट है 25। एक्स परसेंट वाले इसको मान लेते हैं, 40 का एक्स बटे 100 बराबर 25, ये जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 2 बार में 5 बार में, इसे इधर गुणा कर देंगे, एक्स बराबर हो जाएगा 25 × 5/2, मतलब हो गया 25 × 50 = 1,250 आने के 65.5% भाग देंगे तो इतना आंसर आएगा। तो एक्स का कितना परसेंट था, 25% था, यानी कि 62.12% के बराबर था। ये सवाल था आसानी से बनाने का, इसमें कोई दम नहीं था। तो क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है अमर की आय मनोज की आय से कर्मशः है, मनोज की आय 4,000 तथा 6,000 रुपया प्रति माह है। अमर की आय 4,000 है, मनोज की आय 6,000 प्रति माह है, तो मनोज की आय अमर की आय से कितना परसेंट अधिक है। क्वेश्चन अगर मनोज की आय पूछ रहा है अमर से कितना अधिक है, यानी मनोज की आय बताना ना कि अमर क्या बताना, ये बात को समझ जाएंगे तो आपका सवाल में आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमको निकालना क्या है, मनोज की आय निकालना है, इसलिए जो बेस में रखेंगे उसको आधार में रखेंगे उसे जो है मनोज की आय रखेंगे। तो क्वेश्चन कितना है, मनोज है 4,000 और हम मनोज है 4,000 और अमर है 6,000, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2,000 का डिफरेंस है, 2,000 इसको परसेंट में चेंज करना, कितना परसेंट अधिक है परसेंट में पूछ रहा है, तो मनोज का पूछ रहा है, मनोज को नीचे रखेंगे 4,000 और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा, तो काट देंगे 2 से 2 बार में, इसको काटेंगे 50 बार में, यानी 50% आ गया, 50% अधिक है। तो ये सवाल रहा, कोई सवाल में दम नहीं है, सिर्फ जो है समझने की फेर है और बनाने की तरीका, आप इन सवाल से घबराए नहीं, मैं आपको सवाल को सिखाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड, मैं आपके लिए अच्छे सवाल लाया हूँ, ये सवाल आपका जो एग्जाम में काम आता है, आप इन सवाल को समझ के बनाएं। कैसे बनाएंगे, मैं 2-3 प्रोसेस बताऊंगा बनाने का, जो एक भी प्रोसेस आप सीख लेते हैं तो सवाल आपका आसानी से बन जाएगा। मैं चाहूंगा आपको सब प्रोसेस सिखा दें, आप सिर्फ लगे रहें, हालांकि आपको आता कुछ नहीं है, आप सिर्फ सीखने आए हैं तो सीखे मैं सिखा रहा हूं। जिस तरह की बचपन में कुछ नहीं आता धीरे धीरे सीखा जाता है, उसी तरह से सवाल किसी को मैं तो भारी लगता है, आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो यदि आपको जो है पहले आप फॉर्मूला से जानना चाहते हैं, ट्रिक से जानना चाहते हैं, ट्रिक फॉर्मूला अगर आपको रखना है याद, तो मैं ट्रिक वाला फॉर्मूला दे देता हूँ। ट्रिक का क्या है, कमी परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है एक्स बटे 100 प्लस एक्स गुना 100। आप इससे भी बना सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं। इन फॉर्मूला से हम कैसे बनाएंगे, इसे एक्स मान लें, आप इस फॉर्मूला पे सेट कर दें, कमी परसेंट जो है निकल जाएगा, तो एक्स क्या है 50 बटे 100 प्लस 50, एक्स का मान 50 है गुना 100, इसे निकालेंगे 50 बटे 150 गुना 100 कर देंगे, तो 50 दिया 150, 3 से 100 में 3 से भाग देंगे, कितना परसेंट आएगा 33 पूर्णांक 1 बाय
3% आएगा। आप इस तरह बना सकते हैं, नहीं आपको इस तरह नहीं बनाना है, मैं आपको दूसरा तरह बनाऊंगा बताऊंगा। इस तरह के सवाल कोई भी आएगा बिना देखे आप उत्तर उसका दे सकते हैं, बिना कैलकुलेशन किए भी उत्तर दे सकते हैं। उसके लिए भी मुझे मेरे पास फॉर्मूला है, मैं उसे भी सिखा रहा हूँ। देखिए क्या फॉर्मूला है, यदि आपके क्वेश्चन में 50% अधिक हो, 50% अधिक हो तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 33.1/3%। अगर आपका क्वेश्चन 50% अधिक हो उसका आंसर आएगा 33.1/3%। यदि आपका क्वेश्चन हो 33.1/3 अधिक हो, क्वेश्चन में इसको अधिक बनाया जाए, कम में आंसर आएगा 25%। इसे भी याद रख सकते हैं। उससे अगर कहे कि 25% अगर आपका क्वेश्चन 25% अधिक बोले तो आपका आंसर निकलेगा 20%। यदि आपका 20% अधिक बोले आपका आंसर निकलेगा 16.2/3%। तो इसे याद रख करके आप 1, 2, 3, 4, 5 5×10 प्रकार के सवाल को आप आंसर बिना देखे इन फॉर्मूला को याद रख करके, इन ट्रिक को याद रख करके आप दे सकते हैं। कैसे, आप अधिक वाला क्वेश्चन बोला तो 50% अधिक बोला तो आपने आंसर यह दिए, 33% 1/3% अधिक बोला तो आपने आंसर यह दिए, 25% अधिक क्वेश्चन बोलेगा 20%, 20% अधिक बोलेगा 16.2/3% आंसर आएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन आपका सवाल कमी से शुरू करे, आपका कहे 16.2/3% कमी है तो इसका कितना परसेंट अधिक होगा, इसी भान से आप ऊपर बढ़ते जाएं, इसको कमी बनाएं आपका आंसर ये होगा। इसे कमी करें, 20% कम कहे अधिक में उत्तर 25%, 25% कम कहे अधिक में उत्तर निकलेगा अधिक, जब यहाँ पर अधिक लिखा रहे आपका आंसर यह होगा। अब यहाँ कमी या दे दे अधिक में यह आंसर आएगा। तो इसे भी आप सवाल को सॉल्व 10 सवाल को 1, 2, 3, 4, 5 5 अधिक से क्वेश्चन आएगा सोल्व कर सकते हैं, 5 कमी से क्वेश्चन आएगा तो सोल्व कर सकते हैं। और मैं अगला नेक्स्ट ट्रिक बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट समझने का बिना फॉर्मूला बिना ट्रिक से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन कहता है एक आय किसका आय निकालना है, बी का वेतन निकालना है, बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है, बी का निकालना है। बी का वेतन निकालने के लिए जिसका कहेगा बी का वेतन तो बी का कह रहा है तो हम नीचे जो लिखेंगे आधार में जो लिखेंगे उसे बी का लिखेंगे 100 में जोड़ करके 50/100 में किसको जोड़ेंगे, बी को जोड़ेंगे, बी को रखेंगे 50×100 कर देंगे। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, 50 × 150 3 भाग देंगे 100 में 3 से आएगा 33.1/3%। तो इस तरह से तरीका से भी आप बना सकते हैं। तो सवाल